सोलर टेक्नोलॉजी को मार्केट में आए कई साल बीत चुके हैं, पर हमें जब भी कोई सोलर सिस्टम लगवाना होता है हम अपने पास वाली दुकान पर जाते हैं, वहाँ वो आपके लिए जो भी सिस्टम दे देते हैं सिलेक्ट करके हम अपने घर पर इंस्टॉल कर लेते हैं। पर प्रॉब्लम्स ये आती है, कई बार हमारी लोड उससे ज़्यादा होता है या कम होता है पर हम एक परफेक्ट सिस्टम नहीं सिलेक्ट कर पाते। नंबर ऑफ बैटरीज हमारे रात के लोड को बियर करने के लिए कैपेबल है या नहीं है हमें ये भी नहीं पता होता। हम सिर्फ आंख बंद करके उस दुकानदार पर भरोसा करते हैं और वो हमारे लिए जैसा सिस्टम डिजाइन कर देता है हम वैसा सिस्टम अपने लिए लेकर आ जाते हैं। तो आज इस वीडियो में इस 2024 के साल के अंतर्गत अगर आप अपने घर पर एक सिस्टम लगवा रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि कस्टमर को ये पता होना चाहिए कि उसकी नीड क्या है और उसे कितने किलोवाट के सिस्टम की ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक 5 किलोवाट के कंप्लीट सोलर सेटअप के प्राइस के बारे में बताऊंगा और इस सिस्टम में लगने वाले जो सोलर पैनल होते हैं, इन्वर्टर्स, बैटरी, इनकी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, सोलर पैनल की इफ़िशेंसी क्या है, इनके प्राइस क्या है, ऐसी हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और जो बैलेंस ऑफ सिस्टम लगता है जिसमें स्ट्रक्चर हो गया, वायर हो गया, MC4 कनेक्टर, AC/DC, DC/DC बॉक्स, इन सभी की कॉस्टिंग क्या पड़ेगी आपके एक कंप्लीट 5 किलोवाट के सोलर पैक की। तो अगर आपका भी प्लान है सोलर सिस्टम लगवाने का, वो 1 किलोवाट का हो या 10 किलोवाट का हो, आप यहीं से उसका प्राइस कैलकुलेट कर पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। तो आप सभी लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सोलर से जुड़ी ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से देखने को मिलती रहेगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, अगर आप कानपुर या इसके आसपास से कहीं बिलोंग करते हैं और अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा, आप उस पर मैसेज करिएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दीजिएगा जहाँ पर वो सिस्टम लगना है। हमारी टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपके लिए सबसे बेस्ट प्राइस पर हम सोलर सिस्टम आपको इंस्टॉल करके देंगे। हमारे पास वेरियस कंपनी के आपको सोलर सिस्टम मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के वीडियो की। दोस्तों जब भी हम लोग कोई भी सोलर सेटअप लगाते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सोलर पैनल। सोलर पैनल के अंदर लोग बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताते हैं पर एक्चुअल में सिर्फ दो ही टेक्नोलॉजी होती हैं। एक होती है पॉली पैनल जिसमें हमारा पॉली का सेल यूज होता है और दूसरी होती है मोनो पैनल। अगर हम लोग 2-1 साल पुरानी बात करें तो पॉली पैनल हमें 28-30 रुपए पर वाट तक देखने को मिलता था, पर 2024 के इस दौर में पॉली पैनल का प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अब पॉली पैनल आपको 18 से 20 रुपए या मैक्स टू मैक्स 21 रुपए पर वाट में देखने को मिल जाएगा। पर आज की रेट के हिसाब से मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको पॉली पैनल की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपका बजट बिल्कुल ही कम है तो आप जा सकते हैं, पर अगर आपका बजट ठीक है और आप सिस्टम अच्छा लगवाना चाहते हैं तो पॉली पैनल की तरफ ना जाएं। उसके पीछे के कुछ कारण हैं। पहला, एक तो पॉली पैनल की इफ़िशेंसी आपको 16-17% तक देखने को मिलती है। अगर आप 1000 या 1 किलोवाट के सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर आपको 4 से लेकर 4.25 यूनिट तक का या मैक्स टू मैक्स अच्छी कंडीशन में 4.5 या 4.5 यूनिट तक का ही जनरेशन देखने को मिलता है। और इसके साथ ही इसके लिए आपको नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, नंबर ऑफ पैनल्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि पॉली पैनल आपको 330 और 335 वाट तक ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको मोनो में कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें मोनो पर्क हो गया, मोनो हाफ कट हो गया, मोनो पर्क हाफ कट, बाईफेशियल टेक्नोलॉजी हो गए। अब मार्केट में आपको एन टाइप भी मिल रही है पर एन टाइप बहुत रेयरली मिल रही है, ये भी एक चीज़ क्लियर बता दूँ। बहुत सारी ऐसी मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको एन टाइप नहीं मिल रहे हैं। अभी बात है कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होने लगा है पर वो कितना हो रहा है ये आप एक बार मार्केट में जाकर पता करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको एन टाइप पैनल मिलेगा ही नहीं और इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम भी हो रहा है, उसको हम लोग किसी अदर वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो अगर आपको 2024 के अंदर लगाना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मोनो पर हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल की तरफ चले जाएं क्योंकि यहाँ पर हमें इफिशियंसी 20% के अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिल जाती है, 20 से 21% भी इसे हम कह सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो 21 से लेकर 24 और 25 रुपए पर वाट पर आपको ये सोलर पैनल मिल जाएंगे। तो अगर हम लोग एक 5 किलोवाट का सेटअप लगा रहे हैं तो उसमें हमें जरूरत पड़ेगी 5000 वाट के सोलर पैनल की। एक मोनो पर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल आपको 540 और 550 वाट में देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि हमारा पैनल का खर्चा कितना आएगा तो दोस्तों 24 रुपए पर वाट के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हमारा ये खर्च बैठेगा जाके 5 किलोवाट का 1,20,000 रुपये का।
120,000 का सोलर पैनल हो गया, पर इसके साथ हमारा जो स्ट्रक्चर होगा उसको भी ऐड करना होगा, क्योंकि इतने नंबर ऑफ पैनल हम लोग ऐसे नॉर्मली नहीं रख सकते, क्योंकि इससे अगर आंधी आती है, तूफान आता है, तो हमारे पैनल डैमेज होते हैं। तो ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ती है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में दो टाइप के स्ट्रक्चर आपको मिल जाते हैं, जिसमें आप एक फैब्रिकेटर से आयरन का स्ट्रक्चर बनवा सकते हैं। तो आयरन का स्ट्रक्चर बनवाने में आपको उस पर पेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में पैनल कसने के लिए उसमें होल करवाने पड़ेंगे, मतलब उसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, वो आयरन का स्ट्रक्चर आपका उतना ड्यूरेबल नहीं होगा, क्योंकि हर 2 से 3 साल के अंदर, या कई बार अगर धूप में लगा है तो 1-1.5 साल मान सकते हैं कि उसमें आपकी रस्टिंग होगी, आपको उसमें रिपेंट बार बार करना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग ज़्यादातर तो जो स्ट्रक्चर इंस्टॉल करते हैं वो GI का ही स्ट्रक्चर इंस्टॉल करते हैं। GI के स्ट्रक्चर में आपको कोई रिपेंट नहीं करना, आपका वेल सेटल्ड स्ट्रक्चर होगा, आपको पैनल लगाने हैं, ईजिली पैनल इंस्टॉल हो जाते हैं। आप हाई राइज या लो राइज अपने हिसाब से स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्राइस स्ट्रक्चर के साइज पर डिपेंड करता है, पर अगर आप एक मीडियम हाई राइज स्ट्रक्चर लगवाते हैं तो पर किलोवाट से अगर हम लोग बात करें तो आपको 3,000 से लेकर 3,500 रुपये तक पर किलोवाट के हिसाब से स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो करीब आपका 17,000-18,000 रुपये का एक GI का अच्छी क्वालिटी का स्ट्रक्चर विद इंस्टॉलेशन के आपको मिल जाएगा, जिसमें आपके सोलर पैनल इंस्टॉल हो सकेंगे। तो 1,20,000 का सोलर पैनल और 17,000 रुपये का स्ट्रक्चर, तो 1,37,000 रुपये का हमारा इन दोनों का खर्चा आएगा। इसके बाद अब हमने सोलर पैनल लगा दिया, स्ट्रक्चर लगा दिया, अब उस पावर को हमें इन्वर्टर तक लेकर जाना है, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी MC4 कनेक्टर्स और वायर्स की। वायर अगर आप कोशिश करिएगा कि जितना पास हो सके आपके सोलर पैनल से आपकी बैटरी और इन्वर्टर, उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जितना लंबा वायर होगा आपके पावर लॉसेज उतने ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो नॉर्मली हम लोग 10 से 15 मीटर तक एक रेंज रखते हैं कि इसके बीच आपका पावर लॉसेज सबसे ज़्यादा कम होते हैं। तो अगर आप एक 10 मीटर का भी वायर लेते हैं तो 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से आपको मार्केट में वायर मिल जाएगा, और आप उस वायर के दो लेने पड़ेंगे, एक रेड कलर का एक ब्लैक कलर का, उससे कनेक्शन निकालने के लिए। तो आपका ये मानिएगा कि करीब 1,000 से 2,000 रुपये तक आपका वायर का खर्चा हो जाएगा, जिसमें MC4 कनेक्टर इंक्लूड होंगे। तो 1,37,000 के अमाउंट में हम लोग 3,000 रुपये रॉ भी जोड़ लें तो 1,40,000 रुपये में हमारा जो छत का सोलर सिस्टम का काम है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर, वो आता है हमारा इन्वर्टर। दोस्तों इन्वर्टर में हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पर अगर हम लोग 5 किलोवाट के सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर मैं बोलूँगा सिर्फ एक ऑप्शन देखने को मिलता है, वो मिलता है MPPT का ऑप्शन। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम PWM टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पावर लॉसेज बहुत होते हैं। अगर हमने 5 किलोवाट के पैनल लगा कर रखे हैं तो वो पैनल हमारे लिए 4 किलोवाट के ही होंगे, या 4,200-4,300 वाट तक के ही होंगे, जिससे हमें नंबर ऑफ पैनल और ज़्यादा लगाने पड़ेंगे अगर हमें ज़्यादा आउटपुट चाहिए है। पर अगर हम MPPT लगा रहे हैं तो वहाँ पर अगर 5 किलोवाट के पैनल लगा कर रखे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि 4,600-4,700 वाट तक का हमारा वो पैनल एकदम वर्किंग होगा, जो पावर लॉस के बाद हमारे लिए काम में आएगा। तो अगर एक MPPT इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर हमारे यहाँ KVA के हिसाब से आते हैं। तो 5 किलोवाट के सिस्टम में अगर हम लोग 5 KVA का इन्वर्टर यूज करते हैं तो ये इन्वर्टर हमारा करीब 3,000 से लेकर 3,500 वाट तक का लोड रन कराने के लिए कैपेबल होता है। अब हमें इतना लोड चलाने की इससे कैपेसिटी मिल जाएगी, और ये लोड हमारा, जैसे आपको एक AC चलानी है 1.5 टन तक की, आप इससे चला सकते हैं। आपको फ्रिज, कूलर, समरसेबल, ये सारे लोड आपके इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आपने जो 5 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए हैं उसमें अगर हम लोग मोनोपर्क हाफ कट 22% सोलर पैनल की बात करें तो 1 किलोवाट का सोलर पैनल हमें 4.5 से लेकर 5 मिनट तक का जनरेशन देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 5 किलोवाट का पैनल हमें 20 से 25 यूनिट पर डे का जनरेशन देने वाला है। तो अब आते हैं फिर से अपने इन्वर्टर वाली बात पर। अब हमने जो 5 किलोवाट का 5 KVA का इन्वर्टर लिया है, इस पर हम 3,000 से 3,500 वाट का लोड रन करा लेंगे। और 5 किलोवाट के इन्वर्टर में हमें 2 से 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर दो ऑप्शन लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक 48 वोल्ट का, जिसमें 4 बैटरियाँ इंस्टॉल की जाती हैं, और दूसरा 96 वोल्ट का, जिसमें हमारी 8 बैटरियाँ इंस्टॉल की जाती हैं। अगर आप एक 4 बैटरी वाला सेटअप ले रहे हैं, आपका रात का लोड मान लीजिए एक AC चलाने का है, तो ऐसी कंडीशन में आप कोशिश करें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा एच हो सकते हैं, 180 AH या 200 AH, वो बैटरी प्रेफर करें, क्योंकि वहाँ से आपको ज़्यादा बैकअप मिलेगा। अगर आपका लोड रात में कम है, आपको 1 टन की AC चलानी है, 3 से 4-5 घंटे चलानी है, उसके बाद जो आपके घर के नॉर्मल लोड हैं वो चलाने हैं, तो आप 150 AH की बैटरी भी ले सकते हैं, क्योंकि AH ही डिसाइड करेगा कि आपको कितना आउटपुट मिलेगा। 150 AH की बैटरी के अंदर जो स्टोरेज पावर है वो आप
करीब मान सकते हैं 1000 से लेकर 1200 वाट तक का एक टॉल ट्यूबलर बैटरी आपको फुल चार्ज होने के बाद आउटपुट दे देगी। तो अगर आपने चार बैटरियां लगाई हैं तो आपको 4800 से लेकर 5000 वाट तक का आपके पास स्टोरेज रहने वाला है। आप इसी से उसको डिवाइड कर सकते हैं कि आपको किस अप्लायंसेस के लिए कितना उसको पावर सप्लाई देनी है और वो बैटरियां आपको कितना बैकअप देने का काम करेंगे। इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर हमें 10,000 रुपये पर केवीए के हिसाब से मिल जाएगा।